और भाई लोग क्या बोलते हैं अपनी पबजी सेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन देशमुख और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटिव पवन लाइव। सो गाइस, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जो टॉप के लोकेशन है, जो सेकंड एनिवर्सरी केक के लोकेशन है, सभी मैप के चारों मैप के लोकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेन है जहाँ पर 100% आपको केक मिलेगा ही मिलेगा। और केक की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर डेली यूसी की हमारा जो आज का है वो पहले निकाल लेते हैं। और एक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका लिंक भी दिया है जहाँ पर आप गेम खेल के भी पैसे कमा के रॉयल पास ले सकते हो। और उसी के साथ हमारा creativepoint.com वेबसाइट पे भी मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है गाइस, पार्टिसिपेट करो और मंडे को उसका रिजल्ट निकाल लूंगा मैं रॉयल पास गिवे का। तो चलो डेली यूसी गिवे का निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कल मैंने दो वीडियोस अपलोड किया था, उसमें से आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर पहले वाले दो वीडियोस। तो दो नंबर की वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट है 1219। तो चलो गाइस, इस वीडियो के लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ से डेली यूसी गिवे के लिए हम कमेंट गेट कमेंट कर लेते हैं और देखते भाई। और यहाँ पर डुप्लीकेट कमेंट काउंट नहीं होता है गाइस, एक ही कमेंट किया करो जिसके अंदर आपका पबजी का आईडी भी आ सके। तो चलो गाइस, यहाँ से विनर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं भाई क्या होता है, तो किसका नाम आता है भाई जल्दी से। ओके गाइस, यहाँ पर देख सकते हो विनर इरफान मलिक भाई है। नाइस वीडियो भाई। और गाइस, यहाँ पर डेली यूसी गिवे के हमारे विनर है इरफान भाई। और चलो गाइस, इनको सेंड कर देते हैं यहाँ से 75 यूसी, यहाँ पर देख सकते गाइस। तो मैं यहाँ पर डेली यूसी गिवे के है भाई स्पार्टन इरफान भाई। तो चलो गाइस, इनको सेंड कर देते 75 यूसी और पे, और देख लेते भाई इनको पे। ओके, तो गाइज यहाँ पर पेमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दिखा देता हूँ, देख सकते हैं परचेस वॉज सक्सेसफुली। तो भाई के अकाउंट में गए हैं हमारे 75 यूसी। तो गाइज यहाँ पर हमारा सबसे पहला लोकेशन है रोजक के पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मिनी मैप में मैंने जूम इन कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बान हाउस में आपको यहाँ पर केक देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह के बान हाउस में आपको बहुत सारे बान हाउस है इरंगल के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने जितने मेरे को दिखे और मुझे पता थे तो वो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी खा लेते हैं भाई इस केक को। और यहाँ पर फिर से एक बार देख लेना मिनी मैप के अंदर रोजोक के पास जो डाउन वाला जो है कंपाउंड गाइज, तो वहाँ पर आपको ये केक देखने को मिल जाएगा। और जल्दी से खा लेते हैं भाई केक, क्या ही बंदा है भाई, क्या केक खा रहा है। और उसी के साथ गाइज यहाँ पर सभी के सभी पेट्रोल पंप, आप सभी को पता ही होगा इरंगल में बहुत सारे पेट्रोल पंप है। तो नॉर्मली जितने भी सारे पेट्रोल पंप है उसके ऊपर एक ना एक पेट्रोल पंप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। बट जो यहाँ पर मुझे मिला है वो है हमारा नोवो और मिलिट्री वाला जो ब्रिज है, तो वहाँ पर हमको मिला है, तो देख सकते हो गाइज यहाँ पर। और चलो यार केक को देख लेते हैं और खा भी लेते हैं यहाँ पर। तो क्या ही बोले इस केक को, अब पबजी वाले तो बहुत सारे केक दे रहे भाई, खाने का काम करने का है। और एक मैच में ही आपको मिल सकते हैं बहुत जगहों पे, तो आपको खाली चेक करना है गाइज, जा जाके वहाँ पर और उसको खाना है। और आप सभी को पता है #100 वाला अगर आपने लिया नहीं अभी तक टाइटल, तो आप इस तरह से केक खाकर भी उसे ले सकते हो। तो मुझे लगा यार बता देना चाहिए आप सभी को। तो देख सकते हो और एक बान हाउस जो कि मैंने पहले भी बताया था इरंगल में बहुत सारे बान हाउस है। तो लोकेशन देखो गाइज, और ये लोकेशन देख के आप अपना कैरेक्टर को वहाँ पर गेम के अंदर लेकर जाकर वहाँ पर केक खा सकते हो। और ये मेरा एक ही मैच के अंदर मैंने बहुत सारे लोकेशन आपको दिखा दिए है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर। तो खा लो यार केक खाने के बाद छोड़ देने का। और उसी के साथ गाइज नेक्स्ट लोकेशन है हमारा स्कूल बिल्डिंग, तो आप सभी को पता ही है स्कूल बिल्डिंग कि वहाँ पर बीच में ही केक मिल जाता है, आप सभी को पता ही है यहाँ पर। चलो गाइज हम चलते हैं भाई केक के पास, तो आपको भी स्कूल बिल्डिंग के वहाँ पर एक केक देखने को मिल जाएगा और उसको खाने का, और उसके बाद भाई आपका अचीवमेंट भी कम्प्लीट हो जाएगा, जो कि अगर आपने फर्स्ट एनिवर्सरी पे नहीं किया होगा तो वो अभी कर लो गाइज जल्दी से। और किसका किसका बाकी था और कम्प्लीट हुआ कमेंट जरूर करना गाइज। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट लोकेशन है हमारा यासना पुलियाना में एक चर्च है जैसे कि मिनी मैप में आप देख सकते हैं। और मेरे लोकेशन पे जाकर आप वहाँ पर केक खा सकते हो सेकंड एनिवर्सरी का, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। तो इस तरह से केक भी आपको मिल जाएगा और इसको खा लेने का। और ये एक लोकेशन है यासना पुलियाना का, और एक ही मैच में जाकर आप सबके सब लोकेशन चेक कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यहाँ पर नहीं मिला तो और जगह पर जाओ गाइज, जितने भी जगह मैंने इस वीडियो में बताया तो आपको केक ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। और चलिए अभी नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं गाइज, यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन है गाइज यहाँ पर यासना पुलियाना में ही है। और अगर वहाँ पर आपको चर्च में नहीं मिला है तो यहाँ पर आप आ सकते हो। और ये बिल्डिंग तो आप सभी की पहचान की होगी, तो यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद वहाँ पर आपको बीच में ही सीढ़ियों पे ही यहाँ पर केक रखा हुआ दिखेगा। बट अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि मुझे चर्च के अंदर ही केक दिख गया था गाइज, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर चर्च के वहाँ पर जाओ। तो उसी के साथ एक मिलिट्री बेस एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, मिलिट्री बेस के यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर रखा हुआ मिलेगा आपको डब्बे के ऊपर।
तो इस जगह पे भी केक मिल सकता है। तो जाओ जल्दी से, अगर आपका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो जाकर कंप्लीट कर सकते हो गाइज। और उसी के साथ तो यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर ही और एक लोकेशन है जहाँ पर आपको केक मिलने के 100% चांस रहते हैं। तो इसके अंदर ये लोकेशन यार इरेंगल का आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, तो खाली मैं मैप के अंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको टेबल के ऊपर केक देखने को मिल जाएगा। तो ये थे गाइज, और उसी के साथ और एक लोकेशन है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो है पोचंकी का चर्च। यहाँ पर आप देख सकते हो पोचंकी के अंदर अगर आप लैंड करते हो और यहाँ पर चर्च पर आकर आप अंदर, यहाँ पर आपको केक देखने को मिल जाएगा। तो बस भाई लोग, और उसी के साथ एक रुइंस का लोकेशन है इरेंगल मैप में। रुइंस पर आपको यहाँ पर इस जगह पे, जैसे कि मैं यहाँ पर मिनी मैप में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेकंड एनिवर्सरी का केक इस जगह पे। तो एक एक बार हर जगह पे जाकर चेक करो यार, और आपको कंफर्म मिल जाएगा। और उसी के साथ गाइज नेक्स्ट आते हैं हम विकेंडी मैप के ऊपर। तो विकेंडी में आपको मिल जाएगा एक विला जो है हमारा प्लेस। विला पे आपको तो सभी को पता है यहाँ पर मिलता है। विला पे ही दो तीन जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला तो यहाँ पर विला के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ चलते हैं भाई बाहर की जगह पे। तो गाइस यहाँ पर चलते हैं भाई विला के बाहर का एरिया दिखाता हूँ मैं, जहाँ पर आपको केक देखने को मिल जाएगा। तो चले यार जल्दी से चलते हैं भाई विला के बाहर। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आगे, तो इस तरह से बना हुआ रहता है कटघरा ऐसा। तो यहाँ पर आपको केक देखने को मिल जाता है। अगर अंदर नहीं दिखा तो आपको इस जगह पर ज़रूर आकर चेक करना है, और यहाँ पर आपको 100% मिल जाएगा अगर अंदर नहीं मिला तो। तो गाइज ये थे कुछ लोकेशन, और उसी के साथ और एक लोकेशन है जो कि है कैस्टल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस जगह पे केक रहता ही रहता है गाइज। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जहाँ पर मैं राउंड मार रहा हूँ वहाँ पर गाइज आपको केक 100% मिलेगा, और यहाँ पर नहीं मिला तो और जगह पे है जहाँ पर कैस्टल के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आया और मुझे देखने को मिल गया है सेकंड एनिवर्सरी का केक। इसी तरह से आपको दोनों जगह चेक करना है, तो दोनों में से एक जगह पे तो आपको कंफर्म मिल ही जाएगा, उसके बाद खा लेना है भाई उसको। क्या करे, पबजी वालों ने दिया है तो खा लेंगे भाई इसको। और देख सकते हैं गाइस ये है कैस्टल, और उसी के साथ है पौड़ों का क्या नाम है भाई, पढ़ लो अपनी अंग्रेजी भाई, लिख दो अपनी, आप सभी को पता है। यहाँ पर इस जगह पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मिनी मैप में आप देख सकते हैं पौड़वास्टो नाम क्या है भाई इसका, तो उस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर केक। तो देख सकते हैं गाइस इस जगह पे केक रहता है, अभी तो नहीं है बट आप जाकर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदों को मिल चुका है। और उसी के साथ आते हैं भाई हम यहाँ पर भूल भुलैया, जो कि डिनो पार्क आप सभी को पता ही है। तो भूल भुलैया में आपको घुसना है अंदर, और भूल भुलैया में आपको एक केक जरूर मिलेगा गाइस, यहाँ पर कंफर्म मिलता ही है। तो चलो गाइस यहाँ पर केक मैं आपको दिखा देता हूँ भूल भुलैया के अंदर। तो यहाँ पर केक आपको दिख जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में, देख सकते हो गाइस यहाँ पर है भाई बहुत बढ़िया एकदम केक सेकंड एनिवर्सरी का, जो कि आपको यहाँ पर जाकर भी खा लेना है और आपका अचीवमेंट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ लोकेशन है डिनो पार्क वाला, जो कि आपको देखने को मिल जाता है वीकेंडी के अंदर। और उसी के साथ गाइज अभी मैं मिरमार और सैनोक वाला भी आपको बता देता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो चलो यार यहाँ पर तो हमारा काम खत्म हो चुका है वीकेंडी वाला। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मिरमार में हम आए हैं एल पोजो लोकेशन पे, और आप जरूर यहाँ पर आना है, और यहाँ पर ही आपको केक देखने को मिल जाएगा। वैसे तो अभी नहीं दिख रहा है, कुछ अदर लोकेशन पे दिया होगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज इस तरह से अगर आप पिकाड़ो में भी आ गए तो पिकाड़ो में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है। देख सकते हो गाइज यहाँ पर उसी जगह पे आपको ये केक देखने को मिल जाएगा सेकंड एनिवर्सरी का। तो ये पिकाड़ो का लोकेशन है गाइज, तो पिकाड़ो में भी उतर सकते हैं और एल पोजो में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली मिरमार तो हम खेलते नहीं है फिर भी। और उसी के साथ गाइज यहाँ पर देख सकते हैं एल पोजो का अदर लोकेशन, जहाँ पर कि आपको केक देखने को मिल जाएगा। अगर अंदर वहाँ पर हॉट ड्रॉप पे नहीं मिला तो इस तरह से सर्कल में जो सीढ़ियाँ बनी हुई है आप देख सकते हैं साइड में, तो इस जगह पे आपको जरूर देखने को मिल जाएगा गाइज यहाँ पर केक आपको सेकंड एनिवर्सरी का, जो कि आपको खा लेना है। तो भाई साहब ये है कुछ अनदर लोकेशन जो है मिरमार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आते हैं हम सैनोक मैप में, यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ियों इलाका है जहाँ पर कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि मैप में आप देख सकते हो मिनी मैप में देखकर आपको जाना है, और वहाँ पर जाकर आपको एक केक मिल जाएगा जो कि आपको खा लेना है जल्दी से। देख सकते हैं भाई हमारा कैरेक्टर कैसे खा रहा है एकदम मतलब भिखारी जैसा। तो गाइज ये है पबजी का कुछ क्या ही बोले अब सेकंड एनिवर्सरी। और उसी के साथ कुछ इस तरह के आपको टावर्स दिखेंगे सैनोक मैप के अंदर, तो वहाँ पर भी रखा हुआ रहता है केक, बट अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कुछ अनदर टावर पे होगा जो कि हमको चेक करना पड़ेगा। तो गाइज और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं
साहिमी में भी आपको यहाँ पर डब्बे के ऊपर एक केक मिल जाएगा जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, बट आप जाकर चेक करोगे तो आपके लिए हो सकता है अवेलेबल। तो जितने मुझे लोकेशन पता है गाइज, मैं आप सभी को उतने उतने बता रहा हूँ। और उसी के साथ आप सभी को पता ही है, यहाँ पर पानी के साइड में भी यहाँ पर रखा रहता है कहीं ना कहीं सेकंड एनिवर्सरी का केक, जो कि आपको आकर यहाँ पर चेक कर लेना है और आपको ज़रूर मिल जाएगा गाइज यहाँ पर। और ये आप मिनी मैप में देख सकते हैं लोकेशन। और उसी के साथ गाइज ये फाइनल लोकेशन सैनहुक मैप का। तो गाइज ये कुछ लोकेशन थे, अगर आपका अचीवमेंट कम्प्लीट नहीं हुआ तो जाओ जल्दी से चेक करो, और सभी के सभी मैप मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। हेलो, ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड शेयर तो बनता है, और ऐसे ही कुछ नए नए वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखना। तब तक के लिए मिलते कुछ नया लेकर, टाटा बाय बाय।